अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ औरंगाबाद की बहुत ही फेमस डिश, जिसका नाम है नान कलिया, जो बहुत ही मनपसंद होती है औरंगाबाद वालों की। और अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल और तीखी लाल मिर्च है, और ये ड्राई मसाले जिनमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची है। और मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर ली थी, और ये गोश्त के मैंने इस तरीके से पतले पीस करवा ली हूँ। और मैंने इसमें हड्डी और नली भी डलवाई हूँ, ये हड्डी वाला गोश्त है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये गोश्त को वॉश कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर ली हूँ, और इस पे एक कुकर रख के मैं ये वॉश किए हुए गोश को अब मैं इसमें कुकर में डालूंगी। अब जो प्याज कट करी हुई थी बारीक बारीक, अब मैं उन 3 मीडियम साइज़ की प्याज को डाल दूंगी, और थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से बचा लूंगी। इसे हमें लाइट ब्राउन करना है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और सारे ड्राई मसाले को डालूंगी, जिनमें हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च, लौंग, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब मसालों को मैं ऐड कर दूंगी। अब इन सब मसालों और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी। इसमें अभी ऑयल ऐड नहीं करना है। मैं इसमें ऑयल, जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अभी इसमें मैंने नमक और पानी डाल के इसे बॉईल होने के लिए मैंने रख दी हूँ। इसे मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगा था। अब ये देखिए, जो मैंने प्याज बचाई थी मैं इसे अब ब्राउन कर लूँगी। अब ये प्याज को मैं लाइट ब्राउन करके मैं इसे निकाल लूँगी, और अब दूसरी तरफ मैं एक पैन रखती हूँ, उसमें मैं ये काजू और खसखस, खोपरा लूँगी, जो खोपरा जो कि कसा हुआ है। इसमें बिलावे की चिरौंजी एक किस्म की बीज होती है, इसमें वो डाला जाता है जो कि मुंबई में अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत जगह ट्राई की हूँ, बट अगर से आपके पास वो नहीं है तो मैंने इसमें काजू और जो ब्राउन करी हुई प्याज है उन दोनों को मैंने ऐड करके उसकी जगह पे मैंने इसे इस्तेमाल करी हूँ, तो इससे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा टेस्ट आया था। अब इन सबको मैं लाइट ब्राउन करके इन सबको निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। अब देखिए, इन सबको मैंने निकाल ली हूँ, और ये ब्राउन करी हुई प्याज है, और ये मसालों के लिए कुछ लगेगा, ये दही है, जो कि मैं सोची आप लोगों के साथ ये कुछ टिप्स शेयर करूँ। ये दही इसमें पैकेट में ही है, तो इसे इस तरीके से मसलने से आपको दही को फेंटना नहीं पड़ता है। अब ये मैंने कुकर को खोल ली थी, जो कि गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते रहूँगी, और इसमें मैं ऑयल डालूँगी, जो कि अच्छी खासी मिकदार में ऑयल को डालना है। मैंने 1 से 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाली हूँ, और इसे मैंने मिक्स करी हूँ। अब गोश्त को इस तरीके से ही भूनते रहना है, और अच्छे तरीके से इसे पूरा मैश कर लेना है। अब ये देखिए, जो मसाले थे मैं इनको पानी डाल के पीस लूँगी। अब ये दही है, मैंने 1/2 किलो दही ली हूँ, 250 ग्राम, इन सबको मैं डाल दूँगी। अब इसमें ये जो काजू, खोपरा, खसखस और प्याज का बनाया हुआ पेस्ट है, मैं उसे भी पीस के इसमें डाल दूँगी, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब इसे अच्छे से मिलाते रहना है। मैं इसे अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से छोड़ दूंगी। अब ये मैं इसमें हरी मिर्च, गरम मसाला और धनिया, हरी धनिया काट के मैं इसमें डाल दूंगी, और इसे अच्छे से इसका ऑयल ऊपर आए तक इसे मीडियम फ्लेम पे मैं इसे इस तरीके से ही छोड़ दूंगी। इसे बीच बीच में पानी के छींटे मारते रहना है। इस तरीके से पानी के छींटे मारने से क्या होगा ना, कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, बहुत जल्दी ऑयल ऊपर आ जाता है, और ये थोड़ा पतला होता है, बट मैंने इसे मीडियम ही रखी हूँ। इसे नान के साथ खाया जाता है, तो
तो उसे थोड़ा पतला रखा जाता है। अब ये देखिए मेरा सालन माशाल्लाह पूरी तरीके से इसकी तरी छोड़ दिया है, ये इतनी सारी तरी है इसमें, और ये खाने में देखने में बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुआ था। देखिए कितनी तरी वाला है ये, इस तरीके से ही ये बनाया जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये मैं इसे सर्व करती हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। देखिए ये मेरी बेहतरीन से नान और ये कलिया, इसे सालन को कलिया कहा जाता है, और ये नान है, ये नान कलिए की रेसिपी बनके तैयार है।